दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बेसन का सब्जी। दोस्तों, बेसन का सब्जी तो आपने बहुत खाया होगा, पर इस प्रकार का बहुत ही कम से कम समय में बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनने वाला आपने पहले नहीं देखी होगी ऐसी विधि। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने ये सामग्रियां ली हैं। तो ये हमने बेसन लिया है 1 कटोरी। बेसन के भुजियों की सब्जी बनाने वाले हैं आज। 1 कटोरी बेसन लिया है, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर लिया है हमने छोटी चम्मच, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ी चम्मच सरसों का तेल, 8-10 कलियाँ लहसुन की, इनको बारीक पीस लिया है हमने, नमक लिया है, स्वाद अनुसार डालेंगे, थोड़ा जीरा लिया हमने। तो चलिए चूल्हे को जलाते हैं और उसके ऊपर कढ़ाई को रखेंगे। ये हमने चूल्हे को जलाया है और इसके ऊपर देखिए, ये हमने कढ़ाई भी रख दी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। कढ़ाई को बिल्कुल थोड़ी देर गर्म होने देते हैं और ये थोड़ी, आप देख रहे हैं साइड से, देखिए ये जो हमारी ब्लैक हो रखी है थोड़ी सी कढ़ाई, ये चूल्हे के ऊपर हो जाती है दोस्तों। इसकी कोई वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, चूल्हे के ऊपर अगर आप नई कढ़ाई भी रखोगे तो 2-3 दिन में ब्लैक हो जाएगी। तो ये देखिए, कढ़ाई हमारी धीरे धीरे गर्म हो रही है और गर्म हो चुकी है। इसके अंदर अब सरसों का तेल डालेंगे। ये सरसों का तेल डाला है, सरसों के तेल को 1 से 2 मिनट तक गर्म होने देंगे। ये हमारा तेल गर्म होता है तब तक हम सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने 1 बड़ी कटोरी ली है और इसके अंदर सभी मसालों को मिक्स करेंगे। तो ये हमने मिर्ची पाउडर डाला, इसके अंदर धनिया पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर, लहसुन, लहसुन का जो पेस्ट है वो डाल देंगे इसके अंदर, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको बिल्कुल अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लेंगे। इसका पेस्ट बनाना है हमें, अच्छी तरह मिक्स करना है सभी मसालों को। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सीधा मसाला हमें नहीं डालना है, नहीं तो जो हमारा मसाला है वो तेल के अंदर चल जाएगा और सब्ज़ी का टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, सभी मसाले बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और हमने 1 और बड़ी कटोरी ली है, इसके अंदर हम बेसन को मिक्स करेंगे। देखिए, बेसन डालेंगे जो 1 कटोरी हमने लिया था, थोड़ी सी चुटकी भर मिर्ची पाउडर डालेंगे इसके अंदर, बस इतना सा डालना है, थोड़ा सा चुटकी भर नमक, थोड़ा सा पानी डालेंगे। दोस्तों, आपने ऐसी विधि पहले नहीं देखी होगी। अगर हमारे घर में कोई भी सब्ज़ी ना हो तो थोड़े से बेसन से भी हम बहुत ही अच्छी लाजवाब सब्ज़ी, स्वादिष्ट सब्ज़ी बना सकते हैं। ये देखिए, हमने बेसन को घोल लिया है, इसका पेस्ट बना लिया है। अब हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका है और हम इसके अंदर जीरा डालेंगे। जीरे को बिल्कुल अच्छे से पकने देते हैं, इसका कलर थोड़ा ब्राउन हो जाए तब तक। हमारा जीरा बिल्कुल ब्राउन हो चुका है और अब हम इसके अंदर तड़का लगाएंगे, मसाला डालेंगे जो सभी मसाले मिक्स कर रखे हैं। मसाले को बिल्कुल अच्छे से पकने देते हैं, मसाला धीरे धीरे पक रहा है हमारा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो वीडियो में लगातार बने रहें, बस कुछ ही मिनटों में, 5 से 7 मिनट में हमारी सब्ज़ी बन जाएगी। ये मात्र 5 से 7 मिनट प्रोसेस होता है सब्ज़ी का बनाने का, बहुत ही लाजवाब सब्ज़ी बनती है। मसाला हमारा है वो पक चुका है और अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। जितना हमें सब्ज़ी में पानी डालना है वो एक साथ ही डालना है, तो अब हम पानी डालेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से, और पानी को थोड़ा गर्म होने देंगे, बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे पानी को। ये देखिए, पानी को बिल्कुल अच्छा उबलने लगे पानी, तब हम इसके अंदर जो बेसन है उसके जो भुजिए उतारेंगे वो बनाएंगे, इसके अंदर डालना है। अब हमारा जो पानी है वो उबल चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं, और अब हम एक झर या चलनी बोलते हैं जिसे, ये लेंगे और इसके अंदर भुजिया उतारेंगे बेसन के, जो पेस्ट बनाया था उसका। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें भुजिया उतारना है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से, बहुत ही लाजवाब है इस सब्जी का स्वाद। इसमें कोई भी झंझट नहीं है आपको, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च कुछ भी नहीं डालना है, बहुत ही आसान विधि है। अगर आपके पास समय नहीं हो तो तुरंत बना सकते हो।
टाइम की बचत हो सकती है आपकी, बहुत ही लाजवाब सब्जी बनेगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको ज़रूर हमारी रेसिपी पसंद आएगी दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अब हमारे जो भुजिया हैं वो पूरी तरह से उतार लिए हमने पूरे बेसन के, ये देखिए, और इनको थोड़ी देर उबलने देते हैं 1 से 2 मिनट तक। अब हमारी सब्जी है वो बिल्कुल बनकर तैयार है दोस्तों, ये देखिए बिल्कुल अच्छी सब्जी बन चुकी है। और अब हम कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतारेंगे। अब हम इस सब्जी को अलग बर्तन में निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारी जो बेसन की भुजिए की सब्जी है, तरी वाली सब्जी, वो बनकर तैयार हो चुकी है। हमने इसको अलग बर्तन में भी निकाल लिया है, बहुत ही लाजवाब सब्जी बनी है। और इसको आप मात्र 5 से 7 मिनट में अपने घर पर बना सकते हो दोस्तों, बहुत ही आसान विधि है और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है इसकी। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहें। ओके, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक बार फिर से।